और उनमें से उन्होंने सही बात बोली, एक दो पेशेंट जो मेरे थे जिनको स्किन की बहुत प्रॉब्लम थी, मेरी स्किन के अंदर स्पेशलाइजेशन है एलर्जीज में, तो वो पेशेंट मैं ठीक नहीं कर सका था, वो गुरु जी के पास चला गया, वो ठीक हो गया, दैट वाज अ कैंसर ऑफ स्किन। तो गुरु जी को देखा, मैं तो गुरु जी कैसे ठीक हो गई है, मैसेज मेरे पास आती थी मैं तो ठीक नहीं कर सका, और तेरी दांत से फेल होगी ना, फिर दिस इज हाउ यू टू टॉक। एंड मैं गुरु जी मैं चुप, हाँ जी बोला और क्या बोलना है। लास्ट एपिसोड जो गुरु जी के साथ था मेरा हुआ, वो बड़ा अवेयरनेस वाला पेनफुल था। गुरु जी रात को 10:15-10:30 मिसेज मेनका गांधी के साथ, मेनका गांधी जी काफी आते थे वहां, तो उनके साथ वॉक करने जाते थे वो। पहले मैं वॉक करके आ रहे हैं तो तुझे बैठो ध्यान करो, हम लोग ना छोटे मंदिर में उस समय जाते थे, और शिवरात्रि में गुरु जी के जन्मदिन में 31 दिसंबर बड़े मंदिर में हम खूब सेलिब्रेशन करते थे वहां जाते। और गुरु जी 10 मिनट के अंदर ही वापस आ गए। मैं नीचे बैठा हुआ योगा कर रहा था, सब लोग चाय पी रहा, मस्ती मार रहा है, गुरु जी को इतना गुस्सा आया, कहते तनु ने क्या ध्यान करो, तनु समझ ही नहीं आती है। वो आगे मैं बैठा रहा, वो चढ़ा पे ही है, मैं सब नीचे करके बैठा रहा। और कज्जे आंदा थे, एक मिठाई डबल ले आंदा, कहता जी मेरी गर्लफ्रेंड नस गई है उसको बुला दो, कोई कहता जी मेरी मेरा बिजनेस ठीक करा दो, फिर कहते ऐ दला दो, फिर छोटी छोटी चीजें मंगते रहते मैं, रब कोई मंगता ही नहीं मेरे थे आके, जब मैं चला जाऊंगा तरसो के मेरे वास्ते। 3-3 महीना लाइने लगन गया, 20 मिनट झाड़ पड़ी, वापिस आते मैंने सीमा को बोला अपनी वाइफ को, गुरु जी ने जाने की बात क्यों बोली है कि 3 लाइन्स लंबी लगेंगी। एग्जैक्टली आफ्टर 2 वीक्स गुरु जी लेफ्ट, 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद गुरु जी चले गए। और उस दिन थर्सडे का दिन था, दारा सिंह जी भी मेरे जो रेस्टलर थे फिल्म साहब, वो मेरे पीछे पड़े थे, गुरु जी के पास लेके जा। गुरु जी ने इतना प्यार दिया हमारे पे, इतनी ब्लेसिंग दी कि सब आते थे, तू चल या गुरु जी तेन बड़ा प्यार कर देने, तो तू चल सन मिला के लिया। मैंने कहा सॉरी दारा सिंह जी आज चले गए हैं, और मैं उनके साथ हॉस्पिटल में था, वापिस भी उनके साथ ही आया हूँ, और नहीं है वो अब। और कहने का मतलब फिर मैं सीमा भी यही बात बोली, गुरु जी ने तो बता दी, इंडिकेशन दे दी थी कि मैं जा रहा हूं। तो नेक्स्ट ईयर दोपहर को जो हम गए गुरु जी के 1 साल के बाद जो सालाना हुआ, तो पहले साल तो मैंने देखा रश अच्छा हो गया, लेकिन सेकेंड ईयर हमें अलाउ नहीं करा। मेरे को बोला अंकल हाथ जोड़ के कह रहे हैं आप प्लीज दोपहर को मत आओ, रात को आना, हम मंदिर भी सजा नहीं सके। फिर तो मैंने सीमा को बोला अपनी वाइफ को, देखा गुरु जी बोल गए थे तरसो गए, और 50,000 आदमी और लाइनें लगी रहती थी वहां, क्या डिसिप्लिन तरीके से वो गाड़ी लेके जा रही है, छोड़ के आ रही है, जो गुरु जी का टाइम में था वो डिसिप्लिन चलता रहा। एंड बेस्ट चीज मैंने क्या देखी है, गौरव जी जो उनके ट्रस्टी है मेन है, उनके भतीजे जो है वो बहुत डिसिप्लिन तरीके से बड़ी ऑनेस्टी से वहां काम चला रहे हैं। एंड आई हैव बीन टू डुगरी ऑल्सो मेनी टाइम्स, अंदर मंदिर बहुत अच्छा बन रहा है, वहां भी हॉस्पिटल बहुत अच्छा बन गया। और मेरा तो जिंदगी के बेस्ट दिन थे गुरु जी के साथ, आई मिस हिम अ लॉट। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, गुरु जी मेरे कहते थे तेरी यार स्किन की दवाई बड़ी चंगी है, और 5 पैकेट लिया मैं जलंधर भेज देने, मैंने भी खारिश होती मैं ली थी दवाई तेरी, तो मेरी को बड़ा ब्लेस किया। और आज टुडे काम का तो चलो, वी आर इंडिया लार्जेस्ट कंपनी टुडे एज ए इंडियन मैन्युफैक्चरर, वो छोड़ो ये बातें, लेकिन जो रूहानी उन्हें सफर शुरू कराया वो कमाल है। अब सुबह उठते हैं गुरु जी का कीर्तन होता है, सोते हैं तो गुरु जी का कीर्तन होता है, और अब पेशेंट आते हैं, उस दिन एक पेशेंट आया कहता है ये मेरे को सपना आया कि डॉक्टर बख्शी के पास जाओ, गुरु जी बोलते उधर जाता हूँ। तो मिसेस सिंगला ने फोन किया कि डॉक्टर बख्शी तो यहाँ नहीं आज, इधर नहीं आते अभी, तो कहते अच्छा गुरु जी के सपने में मुझे बोला आने के लिए, उसको दवाई दी, 4 दिन में पेशेंट था, डिफिकल्ट केस था, बस मच बेटर जरिया बना मेरा।
तो मैं तो जो भी आते हैं गुरु जी के जो पुराने आश्रम से मिले लोग आते हैं, मैं तो भगवान का नाम लेके गुरु जी का नाम लेके दवा देता हूँ और रोज उनको याद करता हूँ। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग फेथ रखो, फेथ रखना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं एक बात बताना चाहूंगा, गुरु जी जराबे क्यों पहनते थे? जब भी गुरु जी को पूछ रहे हम बाहर जा रहे क्या लेके आए, जराबा ले आई मैं तो सीमा को रहती हूँ तो सीमा तो जराबा ले आई। वाई कहते थे मेरे जब नंगे पैर होते ना गुरु जी को, आप 4 बजे मिलो 5 बजे जब छोटे मंदिर में मिलते थे उससे, तो कहते थे टी शर्ट पहन के बैठे होते थे, तो लोगों को नहीं मिलते थे किसी को भी, लेकिन जैसे ही वो आते थे जराबे पहन के किसी को हाथ लगाएगा और गलती से उनके मुंह से निकल गया करुणा भाव से ब्लेस यू, तो गुरु जी सफर बहुत करते थे, अगला आदमी एकदम ठीक हो जाता है। हमें भोगना है, हम कर्मों की चक्की जो है वो चलेगी हमारी, लेकिन महापुरुष जो है चक्की को ढीला कर देगा, रोक देगा। वो मेरे जिंदगी में बहुत एपिसोड हुए, एक नहीं हुआ, 3-4 तो मैंने आपको सुना दिए, दिखा दिए, और आप भी लगे रहो और टोटल सरेंडर करो अपने आप को, सरेंडर। क्योंकि जब भी हम आते थे वहां से सारा घर हमारा गुलाब से भरा होता था, खुशबू से, मैं हाथ में धोता था रात को, खुशबू ना निकल जाए। और अभी भी बैठे बैठे कई बारी हमारे घर में खुशबू आती है, ब्लेसिंग है, उन्हीं के सारे हम जी रहे हैं। विद दिस वर्ड आई हैव नथिंग मोर टू ऐड। जय गुरु जी।